तो मेरा सवाल ये है कि हाउ यू थॉट टेकिंग भारत, जो ऑलरेडी आपने बता दिया है, बट देयर वर लॉट ऑफ अदर पीपल आल्सो. ये क्वेश्चन था एक्चुअली हमारे मन में. सो इवन आई एम फैट, सो व्हाई नॉट अनदर फैट और टू टॉल और टू शॉर्ट और एनी अदर वुमन. सी, आप एक सेलेब किस लिए लेते हैं हम लोग एक ब्रांड को? अगर मैं कुछ कहूँ, मैं 5 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ. द पावर ऑफ द सेलिब्रिटी सिर्फ ये नहीं होता है कि वो टीवी शोज करते हैं या वो यू नो एड सॉरी मूवीज करते हैं. उनका जो पर्सोना होता है वो इन्फ्लुएंस करते हैं बहुत लोगों को, और जब वो कुछ बोलते हैं तो 5 नहीं 5 मिलियन पीपल लिसन. भारतीय, एज आई सेड, इंडियन टेल, हर एक हाउस होल्ड में, लिविंग रूम में, हाउ मेनी ऑफ आर, एंड वी ऑल नो द प्राइम टाइम जो है शी इज ऑलवेज देयर, राइट? हर एक एज ग्रुप की लड़की उनसे रिलेट करती है. ये चॉइस होता है. मैं, आप जब एक एंडोर्सर को लेते हो, अपार्ट फ्रॉम ब्रांड फिट, कुछ चीज़ें होती हैं जो समझने लायक होती है कि मेरे जो कंज्यूमर्स हैं, जो आम औरतें हैं, जो आम लड़कियां हैं, जो काम करती हैं, ऑफिस जाती होंगी, होम मेकर्स होंगी, यू नो ऑल ऑफ देम, कोई ऐसी यू नो तो उनकी पर्सनालिटी या शख्सियत ऐसे होना चाहिए कि वो रिलेट कर पाए एंड एट द सेम टाइम वो इन्फ्लुएंस्ड हो. जब वो बोलती हैं कुछ, यही तो थॉट प्रोसेस है. जो आज एक लिमिटेड ऑडियंस जैसे हमारे पास आप हैं, आई एम स्पीकिंग, आप लोग समझ रहे हो, बिकॉज यू नो यू कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड, अ माइंड सेट, यू आर टॉकिंग, लिसनिंग, ऑल ऑफ दिस. बट एक आम जनता टेलीविजन में जब एड देखती, इतना नहीं सोचती, दे लिसन टू समथिंग दैट्स हैपनिंग, बट द मोमेंट इट इज भारती स्पीकिंग, दे टेक अ लुक एंड से अच्छा कुछ बोल रही है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ यू आर यूटिलाइजिंग अ सेलिब्रिटी. आर यू यूटिलाइजिंग हर जस्ट एज अ डॉल, ओके, इन एन एड टू शोकेस इट एंड फिनिश इट? इज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट यू वॉन्ट टू कन्वे, और आप चाहते हो कि आपके ऑडियंसेस उससे रिलेट करें और समझें? दैट्स वेन यू हैव टू बी केयरफुल कि आप किस तरीके के सेलेब को ले रहे हो. सो दैट इज अ वेल थॉट ऑफ प्रोसेस. ही सेड, यू नो, इफ शी इज देयर, she connects with women, she is a household name, she can endorse the brand, she matches with the philosophy that we are trying to talk. So you know, but why it take 20 years for you to come openly in the market with your product? Joy has been actually been in the market for the last 28 years, okay, but the advertising process has started 4 years back. So we started advertising for face wash in the beginning. That was the first brand product that was endorsed, and Joy 2015 is when the strategic alignment of the entire portfolio and the brand philosophy for the next 15 years was defined. As I told you, 2015 May, when we were making products, we were selling, we had consumers, word of mouth said, you know, the company grew. So so the company was around 50-60 crore turnover company before it even started doing its ad. But obviously, जब आप mass media पे आके ad करते हो, तो it starts, you know, increasing in leaps and bounds. So the last 4 to 5 years we have, you know, gone ahead with mass media, which is print and television, and 25% year-on-year growth has we've been achieving it. And therefore, अब समय आया था कि brand का जो coexistence रहे, वो consumer के बहुत close हो. हर एक इंसान जब जॉय यूज़ करे, सिर्फ नीड बेस्ड नहीं होना चाहिए. अगर आपको सिर्फ मॉइस्चराइजेशन चाहिए, तो आपके पास एज अ गर्ल और एज अ वुमन बहुत चॉइसेस हैं. सो द क्वेश्चन इज व्हाई जॉय? सो वो क्वेश्चन को आंसर करते हुए ही वी स्टार्टेड टेकिंग दिस डिसीजन ऑफ मेकिंग एन इंटेंसिव रिसर्च अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर्स, जो कि ईयर 2014 के एंड में 6 मंथ्स प्रोसेस था, वी कंप्लीटेड इन 2015. And after that, this is the first, second ad. We had an ad with Anushka for face wash, and this is the second ad. So she'll be only for the body lotion, Bharti. She's for the creams and body lotions. Yeah. अब बाती मेरा प्रश्न आपसे है. बिल्कुल सर, मुझे मैं वही देख रही थी, आपने मुझसे पूछा. आपको कैसे लग रहा है कि you are the first overseas brand ambassador for this product? जी सर, मैंने पहले भी बोला कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मैं इतनी excited थी जब ad हो रही थी. मतलब मैंने, हम टीवी करते हैं ना, तो टीवी में इतना फ़ोटोशूट ये वो नहीं होता, लेकिन इसके लिए जो एक दिन फ़ोटोशूट रखा गया था, तो मुझे एकदम, वाकई मैंने बोला कि
मुझे ऐश्वर्या वाली फीलिंग आ रही है, जैसे होता है ना अब भी मिस वर्ल्ड बन के आई हूँ तो फोटो शूट हो रहा है, एक बाल भी आगे आ रहा है तो चार लोग आ रहे हैं हटाने के लिए, और ऐसे कैमरे मैंने देखे नहीं थे जिससे फोटो शूट हो रहा है, लाइट लगी हुई है, भारती जी ये थोड़ा ऐसे कीजिए, थोड़ा इधर देखिए, मुस्कुराइए, मतलब ऐसा कभी होता ही नहीं। हम लोग तो वो है कि एक स्टेज पर चले जाते हैं 17 कैमरे लगे होते हैं, क्योंकि हमारा वन टेक होता है, 17 कैमरे लगे होते हैं, एक बार एक्शन बोल देते हैं तो जब एक्ट होता है तो उसके बाद ही कट होता है, तो इसमें इधर देखिए आँखें, हवा चलाइए, ये वो हो रहा था, तो मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी ना, मतलब मुझे लग रहा था कि मैं मतलब सबसे आगे हूँ, सबसे सुंदर हूँ, और आज ऐड देखिए तो मुझे और अच्छा लगने लगा, मैं इतने ज़्यादा एटीट्यूड में आ गई हूँ, मैंने अभी घर जाके बात ही नहीं करने की किसी से, क्योंकि इतना एटीट्यूड आ गया मेरे में, और थैंक यू सो मच, मैं बार बार कह रही हूँ पॉलोमी थैंक यू, जॉय थैंक यू, जो आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं सच में आपकी बॉडी लोशन के लिए एकदम परफेक्ट हूँ, सही हूँ, और बस मैं बहुत खुश हूँ, आप मेरे लिए तो दिवाली आज ही है। मुझे पता है कि मैं टीवी से हूँ, फिल्म से हूँ, तो मुझे पता है कि ये जो सब लोग होते हैं ये बनावटी चेहरे हैं ना, इनको दो दो घंटे डेढ़ घंटे लगते हैं मेकअप करने में, कई होंगे मेकअप वाले फॉरन से आ रहे होते हैं, हमारे तो चलो इधर से ही है डोंबिवली से, कईयों के फॉरन लंदन से हीरोइनों के लगे रहते हैं, क्योंकि हमारे शोज में आते हैं फिल्मों के लिए, तो अंग्रेज मेकअप कर रहे होते हैं, उनको इंडियन पे भरोसा भी नहीं होता कि वो कुछ कर देंगे, लेकिन मुझे पता है वो सब बनावटी है, क्योंकि हमने उनको बिना मेकअप के भी देखा हुआ है, तो बिना मेकअप के और ही मतलब कुछ लगते हैं, लेकिन जो मैं असली खूबसूरती जिसको मैं समझती हूँ कि असली खूबसूरत है वो नेचुरल है, वो है मेरी मम्मी, क्योंकि उनको मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, ना आज तक कभी वो सैलून गई हैं, ना कभी उन्होंने ब्लीच करवाई है, ना फेशियल करवाया, फिर भी आज तक मेरी मम्मी कुछ 55-57 की होंगी, आज तक मैंने उनके मुंह पे एक पिंपल नहीं देखा, तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए बहुत बड़ी मिसाल है, उनकी ही ये सब मुझे मिला है कि आज तक मेरा भी फेस, मेरा भी स्किन उनकी तरह ग्लो करता है, और सच में लोग बोलते हैं कभी मैं रिहर्सल पर जाती हूँ तो मेरे को तो वैसे ही मेकअप से बहुत होता है कि इतना 24 घंटे मेकअप करके रहते हैं, तो बीच में कुछ टाइम ऐसा मिले जब हम नेचुरल रहें, तो मैं जब नहाती हूँ सिर्फ काजल करके से बाल बांध लेती हूँ तो मेरा मुंह वैसे ही ग्लो करने लग जाता है, तो सब बोलते हैं अरे ब्लशर किया तूने, तो मैं बोलती हूँ कि मैं पूरा हफ्ता तो ब्लशर करती हूँ, एक दिन बिना उसके हूँ, बट फिर भी मेरे को ऐसा ग्लो आ जाता है ना, पता नहीं क्यों, शायद खाने पीने में है, क्योंकि खाते पीते भी अच्छा है ना, आप लोग तो शायद डर जाएं जो हमारा नाश्ता हो तो, क्योंकि ये सब लोग होते हैं एक एक ब्रेड पीस खा लिया चाय के साथ या बिस्किट ले लिया निकल गए, हमारे घर में ये बने तो हमको गुस्सा आ जाता है, हमारे घर में हमेशा पराठे वराठे घी बहुत कुछ होता है, और वो सब बचपन से वो मिला है, वो मैं डाइजेस्ट कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं पंजाब से कभी कभी मिठाई लाती हूँ ना तो अपने कॉमेडी में सबको बांटती हूँ, तो अगले दिन आधों को पेट खराब हुए होते हैं क्योंकि उनको इतनी आदत नहीं होती खाने की, बट मैं सब कुछ कर सकती हूँ, और आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा सर, मेरे लिए जो नेचुरल ब्यूटी है वो मेरी मम्मी है, क्योंकि हीरोइनों को तो मैं अभी देखती आ रही हूँ, और मैंने उनको मेकअप के साथ भी देखा है, बिना मेकअप के भी देखा है, लेकिन अपनी मम्मी को बचपन से बिना मेकअप के देखती आ रही हूँ, और मेकअप के साथ भी देखा है, क्योंकि मेकअप के साथ वो अच्छी लगती है, लेकिन बिना मेकअप के उससे भी ज़्यादा अच्छी लगती है। भारती जी, हाँ जी, पहली बात तो आपको बधाई हो ब्रांड एम्बेसडर जॉय की, अगर आपको देख के जब मैंने न्यूज़ कल पढ़ा देखा मैं आने वाला आया मैं यहाँ प्रेजेंट हुआ तो ऐसा लगता था गुड मूड गुड फूड गुड गुड फीगर लो फीवर ये उसके लिए, मगर ये आपका एकदम चेंज आ गया, इतना बड़ा दिया है, तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक, सॉरी हेलो हाँ, तो ये कौन लोग यूज कर सकते हैं, कैसे क्या है, सब लोग यूज कर सकते हैं, तो उसके बस थोड़ा सब लोग यूज कर सकते हैं, उसके लिए कोई आपको टीवी पे आने की जरूरत नहीं, सब लोग यूज कर सकते हैं, और हाउसवाइफ तो बहुत ज्यादा यूज कर सकती है, और बाहर वाले तो हम तो चलो करते ही हैं, और बाकी मैं सबको जितने भी यंगस्टर हैं बच्चे हैं उनको यही कहना चाहूंगी और पेरेंट्स को भी यही कहना चाहूंगी कि जबरदस्ती किसी पे कोई चीज मत थोपिए, उसको जो बनना है वही करने दीजिए, आपका बच्चा सिंगर बनना चाहता है लेकिन आप कहते हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, उसको बनना ही नहीं है वो चीज़ है ना, तो कभी कभी हम किसी से मिलते हैं डॉक्टर से मिलते हैं तो डॉक्टर इलाज करते करते थर्मामीटर मुँह में डाल देते अरे मुझे भी बहुत शौक था एक्टिंग है, तो मुझे कभी कभी लगता है उस पर भी वो डॉक्टरी थोपी गई है उसके माँ बाप ने, अरे मैं भी कर लेता हूँ कभी कभी एक्टिंग आप मौका दीजिए, तो साथ साथ भी इलाज करते रहते और ये चीज़ें भी बोलते रहते, तब मुझे इतना फील होता है, और मैंने ये डिसाइड किया है कि
मेरे आगे जो बच्चे होंगे, बच्चे हाँ ज्यादा ही होंगे, तो जो बनना चाहेंगे मैं उनको कभी नहीं रोकूंगी, मतलब चोर और डाकू नहीं बनने दूंगी। बाकी उनको सिंगर बनना है, ब्यूटिशियन बनना है, कुक बनना है, एयर होस्टेस बनना है, कुछ भी बनना है, मीडिया में जाना है, कुछ भी करना है करो, मैं कभी नहीं रोकूंगी, क्योंकि मुझे भी नहीं रोका गया। आज अगर मेरी मम्मी 2008 में मुझे एक बार, मैं बहुत रोई थी क्योंकि मैं इस लाइन में तो ऐसे ही आ गई, वैसे मैं अगर होती तो मैं शायद ओलंपिक में इस बार इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही होती राइफल शूटिंग में। तो जब तक मैं कॉलेज पढ़ती थी, फादर तो आपको सबको पता है मैं 2 साल की थी तो नहीं रहे, तब से मम्मी को हमने देखा कैसे काम करते हुए, घर में काम लाती थी, सारा रात मशीन की आवाज़, मुझे पता जब भी मैं उठती थी वॉशरूम के लिए मशीन चली रही होती थी, तो वो चीज़ें मेरे को अभी भी याद है। कभी कभी मैं ना वो चीज़ों से डर जाती हूँ। मैं ये नहीं चाहती भगवान से कि मुझे इससे और ज़्यादा मिले, मैं और फिल्मों में आऊँ, मैं शाहरुख के सामने लीड करूँ, मैं नहीं, मुझे कि जैसा है ना वैसा ही चले, इससे कम ना हो, मैं भगवान से यही कहती हूँ। क्योंकि मेरे घर वालों ने, मेरी माँ ने, मेरी बहन ने, मेरे भाई ने मेरे लिए बहुत स्ट्रगल किया है। जब मैं स्कूल से मतलब पास आउट होने वाली थी 12th के बाद, तो सब लड़कियां बोल रही थी मैं कनाडा जा रही हूँ पढ़ने के लिए, मैं वहाँ जा रही हूँ, तो मैं कुछ नहीं बोलती थी क्योंकि मुझे पता था 12th के बाद मेरी फैमिली में वो ताकत ही नहीं है कि मुझे पढ़ा पाए, तो मैं कुछ भी नहीं बोलती थी। क्योंकि स्कूल में मैंने स्पोर्ट्स चालू कर दिया था और स्पोर्ट्स में मैं बहुत अच्छी थी, अच्छी इसलिए हो गई थी क्योंकि मुझे अच्छी जानबूझ के बनना था, क्योंकि मेरे घर वाले फीस नहीं भर सकते थे और मुझे था कि अगर मैं स्पोर्ट्स में अच्छी रहूँगी, मेडल लेकर आऊँगी, तो मुझे कॉलेज में फ्री एडमिशन मिलेगा। तो मेरा परफॉर्मेंस 12th में स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, तो एक कॉलेज ने मुझे अप्रोच किया कि आप हमारे कॉलेज आएंगे, डीएवीज बहुत महंगे कॉलेज होते हैं, मेरा अमृतसर में बीबी के डीएवी कॉलेज है। तो उनके टीचर ने कहा बेटा आप राइफल शूटिंग बहुत अच्छी करती हो, तो ग्रेजुएशन हमारे कॉलेज में करोगी? तो मैंने बोला नहीं मैम, मैं 12th ही करूँगी, बाकी मैं प्राइवेट करूँगी क्योंकि हम फीस नहीं भर सकते। तो उन्होंने बोला बेटा फीस नहीं चाहिए, आप जितने भी आप स्टेट लेवल नेशनल लेवल आप खेले हो ना, अपने सर्टिफिकेट लेकर आना। 12th से लेकर फर्स्ट ईयर से लेकर मैंने एमए हिस्ट्री किया है, मैंने एक पैसा नहीं दिया, मैं फ्री में पढ़ी हूँ और मैंने इतनी जान लगाई है उस कॉलेज को जिताने के लिए। और जब मैं वहाँ से निकली तो उनको इतना मतलब फील हुआ और मुझे खुद इतना फील हुआ, क्योंकि मेरी पढ़ाई ख़त्म हो रही थी और पढ़ाने की ताकत नहीं थी घर वालों में, एमए ख़त्म हो रहा था और मेरी राइफल शूटिंग मेरे से छूट रही थी, आर्चरी तीरंदाजी वो छूट रही थी। मैं इतना रोई, मैंने मुझे लगा कि मुझे मर जाना चाहिए क्योंकि मैं स्पोर्ट्स से इतना प्यार करती थी। मैं मतलब 365 दिन मैं वो ट्रैक सूट में ही रहती थी, मैं क्लास में भी नहीं मेरे जाती थी, अटेंडेंस हो जाती थी, फिर मैं आ जाती थी ग्राउंड में, धूप में मैं शूटिंग करती रहती थी। तो मैं भगवान से इतना ही कहती थी मेरे को ना शूटिंग में निकलना है, आगे शूटिंग में निकलना है, तो भगवान ने इस शूटिंग में आगे भेज दिया। तो मतलब अभी भगवान को भी कोस नहीं सकते कि आपने गलत किया, क्योंकि मैंने भी आधा ही बोला ना शूटिंग, मैंने बोला नहीं कौन सी शूटिंग। तो सब लोग बोलते थे कि लड़कियां बोलती थी जो एमएलए की थी या फिर पुलिस इंस्पेक्टर की थी, हमारे पापा हमें खुद की राइफल लेके दे रहे हैं, वो भी अच्छी बात ही, कहते गाड़ी अपनी हो तो चलाने का मज़ा आता है, आप किसी की गाड़ी लेके जाओगे ना तो आपको डर ही लगा रहेगा इधर से ना कोई घस जाए उधर से ना कोई घस जाए। तो राइफल मेरी नहीं थी, सब लड़कियों की राइफल, वो अमीर घर की थी सब, तो अपने अपने राइफल लेके मैच कर खेलती थी, बट मुझे बैठना पड़ता था सरकारी राइफल के लिए क्योंकि 6 लोग उस पर शूट करते थे, फिर मैं अपने उसकी लाइनिंग सेट करती थी फिर शूट करती थी। कहते ना कि जो ईमानदारी से करता है भगवान उसका बहुत साथ देता है। तो मैं हमेशा मेडल लेकर आती थी, बट इतने पैसे नहीं थे तब कि मैं 4.5 लाख की राइफल और 2.5 लाख का उसका कॉस्ट्यूम जो होता है, आपने देखा होगा ओलंपिक्स में राइफल शूटिंग, उसका कॉस्ट्यूम बहुत महंगा होता है और राइफल तो बहुत महंगी होती है। तो मैंने एक बार मम्मी से बोला, मैं कहा मम्मी 6 लाख की ऐसा राइफल है कुछ मिला के आप मुझे ले दो। तो मेरी मम्मी ने मेरी तरफ ऐसे देखा और ना इग्नोर कर दिया, उनको लगा कि बेटी पागल हो गई है, क्योंकि हमारे पंजाब में आज भी 6-7 लाख मतलब 2 बेटियों की शादी। तो मेरी मम्मी ने कुछ मतलब मेरी बात सुनी नहीं, इग्नोर कर दिया। तो मैं तब इतना रोई थी, मुझे पता है मैं छत पे सोती थी, मैं इतना रोई और मैं ऊपर देखती रही, मैं भगवान को इतना कोसा कि ये भगवान सिर्फ अमीरों का है गरीबों का नहीं। और मैं इतनी इमोशनल थी और मैं बहुत मतलब कहते ना एक क्लास में एक बच्चा होता है बहुत चुलबुला होता है, मैं थिएटर भी करती थी साथ में क्योंकि पैसे की बहुत ज़रूरत थी और थिएटर करती थी, 500 रुपये एक प्ले का मिलता था और हफ्ते में 2 प्ले होते थे सैटरडे संडे, 1000 रुपये मिलता था, मुझे लगता था 10 लाख मिल गया। वो 1000 रुपये में मैं एक हफ्ता सेट कर लेती थी, उसमें से 800 मम्मी को देती थी, 200 खुद रखती थी और तब उस लाइफ का इतना मज़ा था ना। और फिर पता नहीं भगवान ने कैसे दरवाजे खोले, लाफ्टर चैलेंज 3 शुरू हुआ,
जो मेरे टीचर थे कपिल शर्मा, राजीव ठाकुर, सुदीश लहरी, आज मैं जिनके साथ मंच शेयर कर रही हूँ और मुझे कभी कभी उनसे ज़्यादा अप्रिशिएट कर दिया जाता है तो बहुत अजीब फील होता है, वो सब मेरे टीचर हैं। उन्होंने मुझे उंगली पकड़ के कॉमेडी की ABC सिखाई है। और बस 2008 28 मार्च मेरी ज़िंदगी की पहली फ्लाइट जेट एयरवेज जो मैंने अमृतसर से मुंबई ली, उसके बाद फिर कभी वापसी नहीं की। और आज 8 साल हो गए हैं और इतना ज़्यादा लोग प्यार करते हैं, इतना पहचानते हैं। आई एम सो सॉरी मैं इतना इमोशनल हो गई क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत कम मीडिया के साथ ऐसा बात करती हूँ, लेकिन आज मैं इतने अच्छे प्रोडक्ट को मतलब मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है। और मैं चाहती थी कि मैं जर्नी अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करूँ। और सच में जब ये ऐड आएगी तो मेरी मम्मी बहुत खुश होंगे। जब हम बॉम्बे से निकले थे तो हमारी फैमिली रिश्तेदारों ने बायकॉट कर दिया था, उनको लगता था कि बॉम्बे अगर कोई लड़की चाहती है तो गलत तरीके से ही आगे बढ़ती है। मैं कहना चाहूँगी कि पांचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती, करती है गलत लड़कियाँ करती है, लेकिन उनको पता होता उनमें टैलेंट नहीं है। लेकिन टैलेंट की मुंबई में इतनी कदर है। आज जो रिश्तेदारों ने हमारा बायकॉट कर दिया था, मेरी मम्मी को बोलते थे लड़की लेके जा रही है वापस, देखना इसकी यहाँ पे आओगे ना तो शादी नहीं होगी, ऐसे ये गलत में आगे जाएगी ये वो। मेरी मम्मी ने बोला कि एक बार बेटी का सिलेक्शन हुआ है, मैं एक बार तो लेके जाऊँगी, फिर चाहे वो रिजेक्ट हो जाए फिर जो भी हो मैं वापस लेके आ जाऊँगी। बट मैं वहाँ पे गई, मुझे लगता था मैं एक ही एपिसोड करूँगी लाफ्टर चैलेंज का, बट करते करते इतने महारथी थे मेरे साथ कवि लोग जिन्होंने मतलब 25-25 साल कविताएं की हैं। अरे बेटा एक ही एपिसोड करोगी अच्छा करती हूँ ऐसे बोलते थे। बाद में वही मेरे सामने में मेरे सामने आउट होते गए और मैं टॉप 3 में खड़ी थी तो मुझे यकीन बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैं 3rd नंबर पर आई, 3 मेरा लकी नंबर है और मुझे इतना अच्छा लगा था। तब से मेरी जर्नी चालू हुई और आज तक चल रही है। मैं कभी भी जब भी मंदिर जाती हूँ या घर में कोई पूजा होती है, बहुत लोग बोलते हैं, मीडिया बोलती है जब गणपति पे घर आते हैं, भारती जी गणपति से आपने क्या मांगा? मैं सच बोलती हूँ क्योंकि ये मंच है, रोजी रोटी पे हूँ, मुझे समझ नहीं आती मैं भगवान से क्या मांगूँ, क्योंकि बिन मांगे इतना कुछ मुझे मिल रहा है। लोग बोलते बड़ी गाड़ियाँ, मेरे पास बड़ी गाड़ी है। लोग बोलते घर, मेरे पास घर है। मैं क्या मांगूँ, मेरी फैमिली इतनी खुश है, मेरी फैमिली को मैं आए दिन इतने सरप्राइज देती रहती हूँ, आए दिन बोलती रहती हूँ परसों बैग पैक करो लंदन जा रहे हैं, परसों बैग पैक करो सिंगापुर जा रहे हैं, तो इतने खुश होते हैं उनके चेहरे पर जो खुशियाँ होती है। और आज भी जब मैं पंजाब जाती हूँ, जिन लोगों ने हमसे बायकॉट कर दिया था, हम बात नहीं करेंगे, ये बॉम्बे जा रही है, ये ऐसा करेगी, मैं आज भी उनकी बहुत हेल्प करती हूँ और मेरे से ज़्यादा मेरी मम्मी हेल्प करती है, क्योंकि वो है वैसे, हम वैसे नहीं बन सकते, तभी मैं आज इतना आगे बढ़ रही हूँ और आप सब इतना प्यार कर रहे हैं। शायद भगवान की इसलिए इतनी कृपा हो रही है क्योंकि मैं सबके साथ वैसी हूँ जैसी मैं पहले से थी। जब आप ऑलरेडी योर ओपन दैट अबाउट योर चाइल्डहुड एंड आपने बताया कि वी कुड नॉट अफोर्ड शूटिंग एंड द ड्रेसेस, क्या अगर कोई ऐसी लड़की आपके नजर में आए बिल्कुल सर हु कैन हैज टैलेंट बट शी डजंट हैव सपोर्ट लाइक भारती प्लीज फॉर, तो क्या आप आगे आओगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल आगे आऊंगी, नहीं धक्का मार के लोगों को आगे आऊंगी कि प्लीज, क्योंकि हां तब पैसे टाइम बहुत था तो पैसे नहीं थे राइफल लेने के, आज पैसे हैं लेकिन टाइम नहीं है। कहते ना भगवान वो सब सेट करके रखता है, पहले मतलब उलट कर दिया। लेकिन आज भी मैं मीडिया के सामने बोल रही हूँ, अगर कोई लड़की राइफल शूटिंग या आर्चरी या किसी और स्पोर्ट्स में भी आगे है, कल ही मैंने सर कॉमेडी नाइट्स बचाओ का हमने ओलंपिक स्पेशल एक एपिसोड किया है जिसमें देवेंद्र जी, दीपा, ये सब आए थे, सुशील कुमार जी, तो हम उनसे पूछते थे ना तो मेरे को बहुत फील होता है कि हम बाकी गेम्स को इतना करते हैं, उनको फिजियो की इतनी चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो नहीं, फिर भी वो इतना करने के बाद 3rd 4th पे आते हैं, तो अगर उनको ये सब फैसिलिटीज़ मिल जाए तो वो कहाँ के कहाँ चले जाए। प्लीज़ अगर कोई ऐसा बच्चा हो जिसको ज़रूरत हो मैं बिल्कुल आगे बढ़कर आऊँगी, क्योंकि मुझे आज भी पता है सर, मुझे आज भी 2 रुपये से लेकर 20 लाख की वैल्यू पता है सर, क्योंकि मैं शुरू से शुरू किया है और हमारी कोई फैमिली कोई खानदान कोई ऐसा तो नहीं था कि हमारे पापा जिम्मेदार थे, हमारे पास इतने एकड़ खेत थे, कोई खेत नहीं थे, हमारा किराए का घर था, वो घर भी ऐसा होता है एक ही कमरा होता है, आपको पता ना सर, एक ही कमरा, उधर ही स्टोव गल रहा होता, उधर ही सो रहा होता, उधर ही मशीन चल रही होती। और आज वाकई मैंने अपनी कहानी मतलब मैंने अपनी लाइफ को चेंज होते अपनी आंखों से देखा है, तो मेरे से बढ़कर कोई सिंड्रेला नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने वो कहानी को अपनी आंखों से देखा है, महसूस किया है और मुझ पे बीती है। थैंक यू। मेरा आखिरी सवाल आपसे ही है जी सर, आपके जैसे खाते पीते घर की लड़कियां हैं जी, उनको आप क्या कहना चाहोगे? कि ऑलरेडी यू ऑन द स्क्रीन विद दिस काइंड ऑफ इज वेरी रेयर
टू गेट पावली मैम जैसे पर्सन टू टेक यू एज अ प्राइम मेंबर, तो निराश तो आप नहीं हो, इनफैक्ट हैप्पी हो, तो आप जैसे लड़कियों या लेडीज के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि अगर आप मोटे हैं तो आप अगर शुरू से मोटे हैं तो फिर बिल्कुल भी आप ये मत कीजिए कि अरे मैं मोटी हूँ, क्योंकि आपके जीन्स में ऐसा है, आप शुरू से मोटे हो। लेकिन हाँ, अगर आप पतले होना चाहते हो तो इतने सारे जिम है, आप वहां पे जाइए। लेकिन अगर आप जंक फूड खा के मोटे हो रहे हो खुद ही, तो वो बुरी बात है, वो मत खाइए। क्योंकि जंक फूड मैं भी नहीं खाती, मुझे सच में ये पिज्जा बर्गर मेरे को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। लोग इतने यू पिज्जा खाने चले, मेरे बिल्कुल नहीं होता। आज भी मैं शूटिंग पे जाती हूँ सर, मेरा घर से डब्बा आता है खाने का, चाहे ड्राइवर को पवई से वापस भेजो, मेरा घर से डब्बा आता है। मुझे पिज्जा बर्गर ये मेरे को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। हाँ, मेरे को समोसे अच्छे लगते हैं, क्योंकि उधर ही जमे पले हैं हम पंजाब में, तो वो चीज़ें होती है, मेरे को समोसे अच्छे लगते हैं। लेकिन वो खाने का भी तो टाइम होना चाहिए ना सर। रोटी मुँह में चली जाए, खड़े खड़े रोटी खानी पड़ती है, स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते माइक लग रहा है, जल्दी तो ऐसे खानी पड़ती है, पता नहीं चलता कौन सी सब्जी कब खा ली। तो कभी कभी मम्मी पूछती है वो कैसी बनी थी सब्जी, तो मेरे को याद ही नहीं रहता कि क्या खाया मैंने। कभी कभी होता है मंडे ट्यूसडे नॉनवेज नहीं खाती, तो गलती से वो भी खा लेती हूँ, इतना होता है। लेकिन मैं जितने भी मेरी बहनें भाई मेरी तरह तंदुरुस्त हैं या मेरे से ज़्यादा हैं, अगर जंक फूड खा के हो तो प्लीज़ थोड़ा अवॉइड करें। आप हफ्ते में एक दिन रखिए, जैसे मेरी नीज़ है बच्ची, हमने उसको बोला कि पूरा हफ्ता नहीं खाना, कुछ घर का खाना खाना तीनों टाइम। लेकिन हाँ, सैटरडे आप कुछ भी खा, तो हमने उसके लिए सैटरडे रखा। आप भी हफ्ते में एक दिन ऐसा रखें जिसमें आप कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन अगर हाँ, आप मेरी तरह बचपन से ही खाते पीते करके हैं, तो फिर ये गॉड गिफ्ट है, इसको मतलब दोनों हाथों से स्वीकार कीजिए और भगवान को बिल्कुल मत कुछ कीजिए।